بسم الله الرحمن الرحيم by mouth-watering juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. देसी मीडिया, देसी कंटेंट, देसी एडवर्टाइजिंग, देसी टीआरपी, ये वो मिक्स्ड चीज, सॉरी बीना आयशा फैसल, हाय हाय, मुंह खोल दो, ऑडियो चेक हो जाएगा। हाँ ऑडियो चेक हो जाएगा। रोजा खराब करने के चक्कर में मैं क्या करूँ, क्या क्या कंटेंट दिखा रहा हूँ मुझे उस वक्त से समझ क्या यू साउंड लाइक अ पठान मैन यार। What's wrong? Oh, you are Pathan, I forgot. Thoda baat to aayega. Do you speak Pashto? No. Your mother speaks Pashto. Your family speaks Pashto. Yeah. You don't. Kyun? Amma bane sikhaye. Sari secret baatein karni hoti thi na ammi abbu ko, to wo Pashto mein kehte, to unhone kaha bachcho ko nahi sikhaye. Usme gaana sunaya tha last year pe khwar golam. Nahi, mujhe itni nahi aati. Yaar ye kya mazaak hai? Thodi thodi aati. Unko aunty ko bol dekh ke de de, main matlab samajhna chahta hu. Main serious hu. Acha theek hai. Unko gaane ke lyrics ka matlab samjha dena. Okay. I just want to understand. It's a beautiful song. Balki Coke Studio ne wahid acha gaana produce kiya is saal. Nahi, unke kaafi bhi hain aur bhi hain. Nahi, ye is saal mujhe to suna na, thoda sa agar piece mil jaye to. Okay. बात हो रही है टीआरपी की, और बहुत लोग शिकायत करते हैं कि मीडिया जो है टीआरपी का भूखा है, और मैं आज या कल जो है वो इस पर बहस हो रही थी ट्विटर के ऊपर भी। टीआरपी इज़ नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द स्टेट ऑफ मीडिया, टीआरपी इंडिकेटर है स्टेट ऑफ पीपल। लोग खुराफात के भूखे हैं तो इसमें कसूर मीडिया का नहीं है, हम तो बीहोल्डन है खर्चा निकालने के लिए एडवर्टाइजर से। एडवर्टाइजर आपकी नज़रों का असर देखता है, और जो आप देखना चाहते हैं वो आपको दिखाई देता है। नज़रों का असर है ना, तो हम मजबूर हैं। लेकिन अब लोग कहते हैं कि जी बकवास है, कोई नहीं देखना चाहता ये वो, तो इसको साबित करने के लिए ये वीडियो खास बनाई जा रही है। आज से 5 रोज पहले हमने एक शो किया था जिसमें हमने बात की थी वीना मलिक के वो हीरो टीवी पे जो इश्तिहार आया था उसके नंबर ऑफ व्यूज मेरे ख्याल से एक रात में 1.5-2 हुए थे, और अभी भी 6,000 प्लस एंड काउंटिंग एंड इट्स ग्रोइंग। उसके बाद हमने वो रूह इस्लाम का सिलसिला किया, तो वो 250 से ऊपर जाता ही नहीं है। So proves कि आप ठरकी हैं, और आप ऐसा कंटेंट देखना ही चाहते हैं। और अच्छा, वो शो आपको मिल कैसे रहा है, क्योंकि आप सर्च मार रहे हैं। हाँ, वो आपको मिल रहा है। तो आज आपकी खिदमत में खास टीआरपी की अकदार की वास्ते, इसलिए कि टीआरपी जो इल्जाम वैसे आप पे लग चुका है कि आप रेटिंग्स के लिए थप्पड़ वाला है। मेरा कसूर क्या है? कसूर मेरा नहीं है, कसूर आपका है। आप देखना ही ये चाहते हैं, आप काम की चीज नहीं देखना चाहते, आप एडमिट कीजिए। और इस शो की काउंट जो है वो साबित करेगी इंशाल्लाह ताला कि हम देसी लोग जो हैं वो कितने ठरकी हैं। ये एक इश्तिहार है जो कि हमारे हाथ लगा यूट्यूब से ही, और उसको हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीसेस में एडिट किया है, और जो हम पूरा दिखा नहीं सकते, पूरा दिखा नहीं सकते क्योंकि एक तो जिसपे इनका रोजा खराब होने का डर था, लेकिन वो शरिया नॉन कंप्लायंट है तो हमने उसमें से निकाल दिया, लेकिन हमने काम की चीज लगा दी। और इसका मुकम्मल ताल्लुक मोहतरमा वीना मलिक साहिबा से, ये भी पहला पीस देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जिंदगी में तनाव और स्ट्रेस की वजह से इंसान अपनी प्रायोरिटीज भुलाने लगता है। परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पति पत्नी के बीच का प्यार कहीं गुम हो जाता है। वो भूले हुए पल, वो हंसी, प्यार का एहसास फिर से जवान हो जाए तो कहना ही क्या। जिंदगी में फिर से बहारें खिल उठती हैं और दिल मचल जाता है अपने साथी के साथ प्यार भरे पल बिताने के लिए। डार्लिंग, एक कप चाय पिला देना प्लीज।
छोड़ो ना। अब इसको देखने के बाद आयशा, मेरा तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि काश कि वो हीरो टीवी पर प्रोग्राम करती तो मगफरत तो कम से कम मांग लेती। तो फिर आपकी आमिर लियाकत हुसैन, डॉक्टर शाहिद मसूद, डॉक्टर बिलाल कुतुब, इन सब के प्रोग्राम्स ठप बैठ जाते हैं अगर वीना मलिक हीरो टीवी। उसको बेचारी की मगफरत की जरूरत है। हाँ, हम सबको मगफरत की जरूरत है, लेकिन वो करना चाह रही थी। वो तो अपनी और इस कौम की मगफरत करी थी, तो वो इज्तिमाई सबकी मगफरत करेंगे। एक साथ करेंगे मैं और आप, नहीं मिल के करेंगे मैं और आप इस महीने मगफरत लोगे। मगफरत आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं? आप सहमी सहमी क्यों? सुना, आप थोड़े जोर से बोलिएगा प्लीज। पिछले तो बड़ी ज्ञान हुई थी। सहमी सहमी तो नहीं हूँ, लेकिन इनके लिए खास हमने अलग रिकॉर्डर रखा है, इनके लिए, सिर्फ इनके लिए। सहमी सहमी तो नहीं हूँ, बट ये कि जो वीना मलिक साहिबा का इश्तेहार देख के तो हर कोई शौक में आ जाता है कि क्या कर रही हैं और हीरो टीवी पे क्या आगे करने वाली थी। नहीं, वो ये नहीं रोक दिया गया। यू थिंक वो ये करने वाली थी? वैसे उन पे कोई भरोसा भी नहीं है। इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। इंसान कितना भी कमजोर हो, उसका मन कमजोर नहीं होना चाहिए। आपका मनोबल मजबूत है तो आप भी किसी ताकतवर आदमी से कम नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ज्यादा सोचिए मत, अपनी आंखों से देख लीजिए। एक्सक्यूज मी अंकल, हाँ, घंटे का क्या? घंटा वर्क करेगा क्या? घंटे का 500 रुपया है, तू 200 दे देना। ऐसे हमारे पास 5 या 4 और हैं, 1, 2, 3, 4 तकरीबन 4 और हैं हमारे पास। और अगर अच्छा YouTube में पता चलता है कि आपने किस पॉइंट पे शो देखना बंद किया, तो हम भी देखेंगे कि आप इसको कहाँ तक देखते। 4 पार्ट्स इसके और मौजूद हैं जनाबे अली। लेकिन जब बात इश्तेहारों की हो रही थी, एक वो आपने वो देखा इश्तेहार बीना, शायद नजर ना पड़ी हो आपकी, वो भी हम देखना चाह रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त एक ऐड है, ऑस्कर विनिंग ऐड इसका कहा गया है, ये वाला जरूर देखिए। हाय राबिया, सायरा स्टाफ पर रंग बन से चल रही हूं। कौन सी लैंग्वेज? ये पश्तो है। सायरा खपकी गमा ददी इलाज तेरे इलाज दावा ना सातच करे या ये तुम दोनों लड़कियां पीछे रह गई। हाँ, लेकिन तुम दोनों पीछे रह गई। स्टाइल देखो उसका, ये स्टार्ट रास्ता मुख्ते कस्बों में, ये सब टच क्लिस्टिक रास्ते इस्तेमाल का स्थान अपन स्कूल में जोड़े। ओह अच्छा, आप अच्छा पठान हैं आप भी? आप तो स्पीकिंग यार देखें व्हाइट थिंग क्रीम देखती नहीं देखती एक मिनट یوزل استعمال کی تاسې ته په خپل پتو لګي او رښتیا دا یوازې د جنکو لپاره نه د الکانو لپاره جانسن انټرنیشنل کراچی کانټاکټ نمبر 0912590419 0300599913 0300596743 اس نمبر پہ فون کرتے ہیں چو مگر منگواتے ہیں نا اچھا اب اس پہ آپ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے دیسی ایڈورٹائزنگ پہ Daisy advertising. ये जो ad था खास तौर पे। पता नहीं, I don't know what they were trying to portray in this. Honestly, it was not a product. Another yeah, fair and lovely, very low level type की जो cream होगी, cream दिखा रहे थे, लड़की दिखा रहे थे, उसका गोरा पना दिखा रहे थे, और उस cream के use करने के बाद जो style आया ना। क्या कर सकती हो तुम ये? थोड़ा करके दिखाओ ना। क्या? वैसे चल के। तारा। तुम चल सकती हो वैसे? नहीं। Sorry. आयशा के साउंड इफेक्ट है। एक बार नहीं, एक दफा क्या था? टिश आहा, इससे पहले क्या था? नहीं नहीं, टिश जो क्या था? नहीं, उससे तो इस पे तो आहा कहा था मैंने। बट यस, कमिंग बैक टू द एड, इससे अच्छे भी ऐड बनते हैं हमारे यहाँ। नहीं, नो डाउट बनते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो टीआरपी पर लोगों को शिकायत है, चले आप लोग तड़प रहे होंगे, तीसरा पीस देख ले वीना का। अपना पावर प्राश मंगवाएं, क्योंकि यही है आपकी खुशियों की चाबी। दोस्तों, इस कायनात में प्यार बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, बड़ा ही प्यारा एहसास है, और आप जानते हैं कि ये एहसास और भी हसीन बन जाता है जब आपका हमसफर आपकी फीलिंग्स को समझकर प्यार के पलों को
खुशनुमा बना देता है। मेरा मकसद जो है ये बहस खोलने का कि इट्स अ टीआरपी, वो जो रेटिंग की बात होती है ना, वो रेटिंग कॉम जो देखना चाहती है वो रेटिंग बनती है, उस रेटिंग के लिए मीडिया इज बीहोल्डन। आप चाहे कुछ भी कहें, मीडिया मजबूर है क्योंकि ये सब बगैर खर्चे के नहीं चलता, और जब खर्चा वहीं से निकलता है जहां इश्तिहार आते हैं, और इश्तिहार देने वाला वो आपकी देखता है कि आप क्या देख रहे हैं। और ये साबित हो गया यूट्यूब पे 247 की हमारी वीडियो से कि जहां ज़्यादा गंद हो, किसी की बेइज्जती हो रही हो, कोई नंग पना हो, वो दबा के देखा जाता है। अक्ल व शऊर की तमीज़ की बात की जाए, कोई ढंग की गुफ्तगू की जाए, तो उसको पुश कर करके हार जाते हैं लिमिटेड व्यूज। एंड दिस इज आल्सो ट्रू फॉर द मेनस्ट्रीम मीडिया, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ शोज जो मैं देखती हूं, और बिकॉज़ मेरे काफी जाने वाले लोग हैं मीडिया में, उनसे जब मैं क्वेश्चन करती हूं तो कहते हैं रेटिंग्स आ रही हैं, तुम्हें नहीं पसंद, बाकी सब इस शो पे इतना पैसा हमें मिल रहा है, इतने एड्स मिल रहे हैं, इतने व्यूज मिल रहे हैं, बिकॉज लोग उनको पसंद करते हैं। तो वहां से फिर लोगों की मेंटालिटी पता चलती है कि किस किस्म के जो प्रोग्राम्स है वो देखे जाते हैं। जैसे हमने उस दिन मॉर्निंग शोज के ऊपर एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे पूरा शादी का वीक चला था। यू हैव नो आइडिया द अमाउंट ऑफ मनी द चैनल मेक्स ड्यूरिंग दैट वन वीक, बिकॉज लोग देख रहे हैं, एडवर्टाइजर्स जो है वहाँ पे आके अपने एड्स प्लेस कर रहे हैं, तो धड़ाधड़ उनका पैसे बन रहा है बिकॉज लोग देख रहे हैं। सो इवेंचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एडवर्टाइजमेंट्स या यू नो एड एजेंसीज पे नहीं डालूंगी। द डे वी स्टॉप, जैसे वो एक एड है दाग तो अच्छे होते हैं जी, मैं उस पे भी आना चाहूंगा, मतलब मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि दाग कैसे अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, वो तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का कमाल है कि वो एक एड जो कि और एक ग्लोबल है, मैं हिंदुस्तान में देख रहा हूँ वहाँ भी एड चल रहे हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट जो कि ओ हो गया, कैसे ओ स्पेशल साउंड इफेक्ट नहीं है, आयशा इफेक्ट नो, मुझे ओ हो गया था, दे कुड हैव वेरी इजीली पुल्ड इट बैक, लेकिन उन्होंने 2 साल या 3 साल हो गए उसको खींच रहे हैं, और अब इट साउंड सो लेम नाउ, अब उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बच्चे जो है क्रिकेट वाले बुलीज आ गए, वो मट्टी में अपने पूरा मल लिया, और अगर दाग लगाने से कुछ फायदा हो जाए तो कुबरत नहीं है ना, क्या बेवकूफी है यार, आई मीन व्हाट यू प्रोपेगेटिंग, बच्चे फील्ड में घुस रहे हैं। अब वो मिस्टेक हो गई है, अब उसको वो निभाए चले आ रहे हैं अना में, यार अबैंडन कर दो, नई कैंपेन ले आओ, छोड़ दो यार, लेकिन वो खुश हो रहे होगा, देखो ना कितना अच्छा ऐड बना, लोग बातें तो कर रहे हैं, उसके बाद वो यार गालां काट रहे हैं तुम। और मैं तो चाहता हूँ किसका है इश्तिहार, मेरी माँ की बेइज्जती है वो, माओ के शो में धुलाई चैलेंज, मैंने बापों से धुलाई चैलेंज करा लो यार, माओ से धुलाई चैलेंज करा लो। एक और ऐड आया जो मैं कल देख रही थी, उसमें मुझे आपकी बात याद आई थी कि वो जो कोई खाने रिलेटेड के कोई प्रोडक्ट है, और उसमें वो बहू जो है दिखाते हैं किचन में बड़ा अच्छा पराठा बनाती है, और सास खाती है, वो चाबी उनके हाथ में कहती है आज सी पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। और उस पर मेरे अपने बाकी में, वी वर सिटिंग एट इफ्तार की टेबल थी, हम लोग वहाँ बैठे थे, और उस पर ना मेरे डैड ने बोला कि देखो कितना अच्छा, मैंने कहा अच्छा है, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी बेटियाँ और बहुएं इसी काम के लिए कि वो इस चीज़ों को क्वालिफाई करेंगी तो उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, पराठा नहीं बना सकती, मतलब जैसे आप पराठा बना सकती हैं, नहीं बना सकती तो आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। यू वर सेइंग नहीं, मतलब जिस तरह से उसको दिखाया कि सास जो है एक हेड उस पे बैठी हुई है टेबल पे, एंड शी सो मुंह बना के बैठी हुई, डाइनिश तरीके से बैठी हुई है, और जो बहू है सब टेबल बैठे हुए हैं, बहू किचन में है, जल्दी ला के अम्मा के आगे रख रही हैं, और वो एक निवाला खाती हैं मुंह बना के, और फिर उठते कहते चाबी आज से तुम्हारी जिम्मेदारी हुई। ये क्या है, आई मीन अगर आपको पराठा बनाना नहीं आता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बहू झंडों में जाएं, आप बहू का लेवल आपको मिल ही नहीं सकता, आप किस लेवल पे अगर होंगे घर के अंदर, क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर सास बहू को नहीं तो सास सिखा दे बनाना, सास सिखा दे ना, मुझे तो कुकिंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी ना, वरना तो मैं क्वालिफाई नहीं करती शादी के लिए। वो क्या था, पर कॉकिंग बेकिंग तो आपको आती थी? नहीं मुझे नहीं आती, ये तो कभी तो नहीं आ रहा पॉसिबिलिटी ऐसा मुझे हक्का इश्ते इसलिए नहीं आ रहा नजर लगा दी आपने, वो गेम नहीं बनी, कुछ गायब हो गई वो स्टोरी, आपने देखा नहीं है। फिर मैंने स्टोरी ये भी सुनी कि फहा ने जो है वो फेसबुक लोगों फेसबुक की जो मैनेजमेंट है उस पे केस कर दिया है, बिकॉज शी हैड रिपोर्टेड देम कि मेरे नाम के कोई फेक पेजेस ऑपरेट हो रहे हैं, एंड पीपल कैन परसीव दैट टू बी मी एंड इट्स नॉट मी। तो आई डोंट नो, काफी कंफ्यूज्ड केस चल रहा है।
अभी तो कुछ नजर नहीं है, वो ही जैसा मीडिया से स्टोरी उड़ती है। रेटिंग गिर रही है, अगला पीस देख ले। प्रेम प्यार मोहब्बत ना तो उम्र की मोहताज होती है और ना ही वक्त की, ये तो वो जज्बात हैं जो छुपाए नहीं छुपते। जिस तरह फूलों की खुशबू रोके नहीं रुकती, इसी तरह मोहब्बत भी मौका मिलते ही परवान चढ़ने लगती है। ये प्यार ही तो है जो जिंदगी जीने की चाह को और बढ़ा देता है और हम सफर के बहुत ही करीब ला देता है। भाई रेटिंग नहीं गिनने देनी, मैं तो सोच रहा हूँ कि इस्लामी शोज भी जो हम किया करें तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं कुछ वीना मलिक डाल, वीना मलिक डाल दे करें, बिकॉज़ लोग पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। एक छोटा सा वक्फा ले लें। Get tempted by mouth-watering juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. दौरान वक्फा बीना जो है तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ रही थी, न जाने क्यों इस्तग़फ़ार की इसमें कौन सी बात है। बीना बीना मलिक को आप कह रहे हैं कि इस्लामी शो में लेकर आए, भाई उसका अपना इस्लामी शो बन रहा था यार, अगर वो इस्तग़फ़ार कर रही तुमको क्या तकलीफ है। आपने देखा सोशल मीडिया की पावर यार, कैसी बात है यार, गलत बात कर रही है। अभी तुम्हारे मीडिया की पावर देखें, सोशल मीडिया नॉट मीडिया, सोशल मीडिया। हेलो एक्सक्यूज मी, बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग, किसी सोशल मीडिया ने उनको नहीं हटाया, उनको सही जगह से धमकियां आ रही थी सही जगह से। और दूसरा ये जहाँ तक मेरा ख्याल है, सब उड़ गए सब, इससे पहले आप भी उड़ जाए। और वो काफी कॉम्प्लिकेशन या कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल कॉम्प्लिकेशन थी और कुछ थी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है, हीरो प्लेड इट वेल, उन्होंने उसको दिखाना था नहीं, एक फ्रेंजी क्रिएट करके बड़ी बेइज्जती कर दी। आई कुड बी रॉन्ग, मैं अस्यूम कर रहा हूं। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो, यू थिंक दिखाना था, फुल दिखाना था, वो पूरा बना होगा, उनको दिखाना था, बट वो सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से रोक। सोशल मीडिया का टट्टू प्रेशर कोई नहीं पूछता यार, धमकियां वमकियां तक ना लगे, वो धमकियां लगी है ना, छोड़ दो ना, धमकियां तो खैर होंगी, वो तो सही जगह से सब मौली साहब जो हैं वो फिर भी बार होने दे ना, कुछ आपको क्या प्रॉब्लम है, रेटिंग नहीं आएगी ना यार, रेटिंग नहीं आएगी यार, रेटिंग के लिए अगला पीस नहीं। मैं वो वीना का इश्तेहार दोबारा दिखा दो प्लीज एक बार। नहीं मैं सोच रही वीना मलिक को यहाँ ले आती हूँ, फिर 247 की चर्चा ही चर्चा। हाँ वाकई वो तो नहीं आएंगी, वो बड़ी आदमी है वो, लेकिन ये कि वो इश्तेहार तो दोबारा दिखा दो उनका, दिखा दो। वाह क्या बात है, किसी से प्यार हो जाए तो उसका इजहार जरूर करना चाहिए, अपने जज्बात को रजामंदी की हवा देकर प्यार की चिंगारी को भड़कने देना चाहिए, क्योंकि यही वो पल है जो जिंदगी को खुशनुमा बना देते हैं और जहन में कुछ रह जाता है तो प्यार, प्यार सिर्फ प्यार। अब तो रेटिंग आए भाई, अभी एक पीस बाकी है हमारे पास। और साहब क्या पीस है वो, इसकी खाली आवाज सुनाते हैं उनको, लोगों को दिखाएंगे बाद में ताकि तड़पते रहें। तरसता है ये प्यार का ही प्रतीक माने जाते हैं, ये रंग रूठे हुओं को मना लेते हैं, बिछड़ों को मिला देते हैं, दुश्मनी को। बस थोड़ी देर में दिखाएंगे ताकि आप बाकी कंटेंट हमारा देख लें। आई रियली डोंट नो व्हाट शी वाज थिंकिंग एंड आई ऑनेस्टली डोंट नो, ये जब जो भी प्रोग्राम करती है, जहां भी जाती है, जो मूवी करती है, क्या सोच रही होती है मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर। क्या कर रही होती है, कोई प्रोग्राम कर रही होती है, क्या क्या कर रही होती है, क्या पता नहीं क्या कर रही होती है, सोच वो दिल प्यार की सभी सीमाओं को तोड़ देते हैं, प्यार की सभी सीमाओं को तोड़ देते हैं, तोड़ना उन्हें। यू लाइक व्हाट शी इज वेयरिंग, थैंक गॉड शी इज वेयरिंग, दुनिया की खबर होती है ना खुद, उनके लिए सबसे बढ़कर है प्यार, इश्क और मोहब्बत। अभी अख्ताम में आपको दिखाएंगे ताकि हमारा बाकी शो भी आप देख ले, यूं तो देखेगा कोई नहीं। जाते जाते कोई बात करनी है, सब इश्तेहारों की हमने ठुकाई मार ली। लेकिन अगर डिंग डोंग च्युइंगम है ही वो, तो उसके आखिर में बिल्ली जो है ना चिपस्टर, वो खुद खा लेती है, शेयर नहीं करती, व्हिच इज रॉन्ग, उसको चाहिए बिल्ली को भी शेयर करे। अच्छा, ये तो सारे आधे से ज्यादा कार्टून्स में भी यही प्रॉब्लम होती है, जिसको आई थिंक हमें किसी और डिस्कशन में लेना चाहिए। क्या चीज, यू नो ऑल दिस कार्टून्स जो आजकल बनाए जा रहे हैं उसमें वायलेंस मारधार, नहीं वायलेंस मारधार की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि बिल्ली के पास गम है, ऐसा ही उसे शेयरिंग नहीं किया, वो खा गई आखिर में, देखा आखिर में उसको चाहिए था कि सबको शेयर करती, हम बच्चों को शेयर करना सिखाएं। अच्छा वो क्रिकेट का ऐड कौन सा, जिसमें बच्चा जो होता है वो ऐसे ही
एक है एड क्रिकेट का जिसमें बच्चा जो है वो ऐसे देख रहा होता है, he's not wearing, यार खुदा की कसम क्या याद कर रहा है. और सिर्फ उसका कमीज अगर साफ नहीं तो कोच कहता है कहाँ से उठ उठ के आ जाते हैं. खुदा की कसम मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ उस एड से. यानी एक बच्चा अगर उसके पास कमीज नहीं है चाहे वो कितना ही अच्छा हो खिलाड़ी, अगर बताया जाए ना तो आई थिंक हमारी जितनी स्पोर्ट्स अगर सेलिब्रिटीज आप देखे ना दे ऑल कम फ्रॉम दैट क्लब. So I don't know why they, that बहुत ही रूड, बहुत ही रूड ऐड था, बहुत काफी डायरेक्ट हिट थी और बहुत ही गलत हिट थी, बहुत ही रूड हिट है. अच्छा खैर फिर कुछ ऐड होते हैं बड़े अच्छे होते हैं नाइस, स्पेशली रमजान की जो ऐड जाते हैं ना मुझे बड़ा मजा आता है. मुझे पूरा फैमिली दिखाते हैं ना बैठ के, स्वीट वेरी नाइस शोज आर कल्चर. कुछ जैसे मसाला के एड्स होते हैं, अब मैं एफके के साथ कहाँ डिबेट पे जाऊँ कौन सा कल्चर, बट अगर नहीं भी है तो कोई हर्ज नहीं करना, वहाँ तो दिखा रहे जैसा होना चाहिए. फिर एक कोक का एड आया, ये चुप चुप की बिना मलिक को यूं क्यों देख रही हो तुम? मैं? तुम आइसक्रीम पे लोगों को नहीं दिखा रही हो? हाँ. नहीं नहीं अभी नहीं अभी थोड़ा और इंतजार करें. हाँ क्या क्या कोक कैट, क्या वो कोक का एक ऐड आता है ना बड़ा बच्चों वाला, देयर दिस होल जिंगल एंड आई थिंक एवरी किड, बिकॉज़ आई नो माय नीस एंड नेफ्यू दे वर सिंगिंग एंड आई वाज लाइक व्हाई, एंड दे लाइक वी लव द ऐड नॉट द प्रोडक्ट बट द ऐड. सोनिया जहान उनका ऐड था, उसमें क्या है देन डांसिंग, इज दैट गुड इज दैट बैड, आई डोंट नो व्हाई दे वुड डांस ऑन अ प्रोडक्ट व्हिच इज जस्ट दूध फॉर चाय. तरंग के सारे ऐड जैसे, हां हर ऐड में जो है वो हर बड़े ग्लैमरस बिग सेट्स, पर शायद उन्होंने पोजीशन ली है ना, वो एक वो उसको वो दिखा रहे हैं जैसे कि तुलसी जो है पिछले 50 साल से या जितने भी साल से उनके भी वो गाना आ रहा है ना, हम जिसे लाजवाब कहते वही वाला है ना. नहीं तुलसी के तो गाने हैं ना सारे, उन्होंने पुराने फिल्मी गानों को निकाल के उन पे वो डांस वांस करवाए हुए हैं ऑल दैट. रीमान हिलाल वालों के भी आए थे बीच में से. खैर वो डांस पे डिस्कशन हो सकती है, वो डांस डांस क्या इश्तेहार में होना चाहिए, वो भी लोगों ने देखा होगा आई एम श्योर. सम रेटिंग It's all about rating. I think this media is ready to do anything and anything. नहीं यार अच्छा वही भाई मीडिया का क्या ताल्लुक है, सॉरी लोग देखना चाहते हैं, सीन की डिमांड है. मैं बन जाती हूँ आवाम, आप बन जाओ मीडिया वाले, थप्पड़ मत मारिएगा बस. मैं ये कहने लगा था कि have you re-released Thappargate? Yes, I have. Thank you. Would you like to re-release it on current date and re-share the link so everyone can see Thappargate and let this be another थप्पड़. ये जो आखिरी पीस देख लीजिए. आपने देखा कि कैसे दो दिल प्यार की सभी सीमाओं को तोड़ देते हैं, ना उन्हें दुनिया की खबर होती है ना खुद की, उनके लिए सबसे बढ़कर है प्यार इश्क और मोहब्बत. तो आप भी मेरी बात मान लीजिए और अपने आप को भुलाकर अपने हमसफर के प्यार में खो जाइए और अपनी जिंदगी में प्यार का भरपूर आनंद उठाइए. पावर प्राश की कीमत वैसे 7,000 रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन विशेष इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत आप इसे पा सकते हैं मात्र 3,500 रुपए, यानी बिल्कुल आधी कीमतों में, वो भी सीधे आपके घर पर. तो बिना समय गवाए, बिना किसी झिझक के उठाएं फोन और नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और अपना पावर प्राश मंगवाएं, क्योंकि यही है आपकी खुशियों की. सो माय डियर फ्रेंड्स, तय रहा, कम से कम मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक कंट्रोल करती है मीडिया के कॉन्टेंट को और पब्लिक की आई बॉल्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप लाख कहें हमें नहीं पसंद हम नहीं देख रहे, लेकिन आपकी आई बॉल्स रजिस्टर हो रही हैं और उन आई बॉल्स की रजिस्ट्री जो है वो ड्राइव कर रही है एडवर्टाइजिंग को, एडवर्टाइजिंग ड्राइव कर रही है मीडिया के कंटेंट को और मीडिया का कंटेंट आपके आई बॉल्स को. तो एक विशियस साइकिल है, अपने आई बॉल्स को सही कीजिए, अपनी आँखों के अंदर जो उसका पानी आ गया है किसका होता है
नहीं वो किसका बाल आ जाता है, पानी नहीं आया था वो बाल, वो बाल हाँ होता ना एक अंकल का बाल होता यानी मरवाएगी यार आज किसका चक्कर क्या है, एक पिंक रंग का बाल होता है तो वो पिंक रंग का तो उस बाल को निकाल लें तो मीडिया का कंटेंट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और ये आपने देख लिया शो हमारा रूह इस्लाम के नाम से, बड़े काम की बातचीत 247 पे अवेलेबल है। कोशिश करके अब आपका रोज़ा तो बिगड़ चुका होगा जैसे आयशा ने इब्तिदा में फरमाया था, तो अगर किसी का रोज़ा बिगड़ गया हो या बच गया हो तो दोनों के लिए बेहतर है कि रूह इस्लाम की तरफ जाएं और जाके वो इस्लामी तालीमात प्रोग्राम तो रूह इस्लाम देखिए वहाँ पे शायद कुछ रोज़ा वापस इस्तवार हो जाए। कमेंट्स वगैरह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या मूड नहीं है रोज़ा लग रहा है या व्हाटएवर ऐसे कुछ कर दो एक्शन नहीं करना? मैं जरा वीना मलिक को देख रही हूं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप सुबह दोबारा चलाएंगे प्लीज। किसी से प्यार हो जाए तो उसका इजहार जरूर करना चाहिए, अपने जज्बात को, क्योंकि यही है आपकी खुशियों की चाबी। दोस्तों चाबी इस कायनात में प्यार बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, बड़ा ही प्यारा एहसास है, और आप जानते हैं कि ये एहसास और भी हसीन बन जाता है जब आपका हमसफर आपकी फीलिंग्स को समझकर प्यार के पलों को खुशनुमा बना देता है। प्रेम प्यार मोहब्बत ना तो उम्र की मोहताज होती है और ना ही वक्त की, ये तो वो जज्बात हैं जो छुपाए नहीं छुपते, जिस तरह फूलों